स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्सियम पर और मैं आपका दोस्त राज आर्यन आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ आज से 12th के टॉपिक और 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट लेक्चर सीरीज आ जाएगा आज के बाद। और आप लोग जो भी अगर वीडियो में कुछ भी डाउट आता है तो उसके लिए एक टेलीग्राम का ऐप है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और उसे फिजिक्सियम टाइप कीजिए और आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे इस ग्रुप को, ठीक है। और उसमें जो भी डाउट आता है वो पूछिए और हम कोशिश करेंगे आपका डाउट का आंसर वहीं पर दे देने का, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, हो सकता है वही आपके आंसर दे दे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग सभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, थोड़ा मजे कर रहे हैं ना घर में बैठे बैठे, मजे भी हो रहे हैं अभी जो भी हो रहे हैं। तो सभी की पढ़ाई की तो हालत थोड़ी खराब थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर देते हैं कम से कम, है ना, ताकि कुछ कुछ अपना चलते रहे, एक दिन के बाद एक दिन करके ये वीडियोस एक के बाद एक आते रहे। आज हम लोग एकदम बेसिक से बात करेंगे, एकदम सबसे लो लेवल में बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने क्या वाले हैं और पूरा 12th का जो बेसिक फाउंडेशन है, कंप्लीट 12th का मैं बात कर रहा हूँ, पूरा 12th का इसके पूरा फाउंडेशन ही यहीं से स्टार्ट होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे करंट की बात होगी, मैग्नेटिज्म की बात होगी, लाइट को भी कुछ कुछ समझेंगे, मॉडर्न फिजिक्स भी है पैरेलल में, वो भी समझ में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर समझ में आया तो, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा और इस चीज़ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर बात करें तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, है ना, अरिस्टोटल, उन्हीं के जमाने के 600 BC के आसपास की कहानी है ये सब, जबकि चार्ज की डिस्कवरी होती है। और चार्ज बेसिकली ये एक समझ लीजिए कि एक ऐसे ही फेनोमेना था, कुछ लोगों ने ऐसे ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, कि एक इमोनाइट का रॉड होगा, उसको उन्होंने कैट फर से रब कर लिया तो कैट फर पे और इमोनाइट का रॉड दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा, ठीक है, मतलब अजीब सा अट्रैक्शन कैपेसिटी आया इसमें। तो चार्ज और मैग्नेट और ग्रेविटेशन, है ना, ये दो तीन चीज़ें इंसान को बहुत अचंभित किया है, थोड़ा अजीब लगा है लोगों को, ये क्या चीज़ आ रहा है भाई, ठीक है। सबसे पहले तो मैग्नेटिज्म की डिस्कवरी हो चुकी थी उस टाइम तक जबकि चार्ज की डिस्कवरी हुई है, ठीक है। तो जब मैग्नेट लोगों को पता था कि इसके पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, और ये कुछ मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट वगैरह करता है, सपोज करते हैं जैसे आयरन हो गया, है ना, निकेल हो गया, कोबल्ट हो गया, इन सबको वो अट्रैक्ट करता था और मैग्नेट खुद मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर रहा था। तो जब इन सबको अट्रैक्ट वो कर रहा था तो मतलब बाकी चीज़ों को, लकड़ी को अट्रैक्ट नहीं करता था, जैसे कि प्लास्टिक को अट्रैक्ट नहीं करता था, और भी किसी चीज़ को अट्रैक्ट वगैरह नहीं करता था ये, ठीक है। तो जिन जिन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा था हमने उनको कहा कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेटिज्म की बात है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, टेंशन नहीं लेना है कौन सी चीज़ें क्या है नहीं है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है। हम अभी बात करना चाह रहे कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, तो कुछ कुछ समझ में आएगा चार्ज के साथ में चीज़ें कैसे आगे बढ़ी, है ना, चार्ज कैसे लोगों ने समझा कि चार्ज है मैग्नेटिज्म नहीं है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेट और चार्ज में क्या डिफरेंस है। तो जब लोगों ने ये चीज़ देखा कि भाई मैग्नेट है, इसके नॉर्थ पोल हैं साउथ पोल हैं और इनको जो हमने फ्रीली सस्पेंड करना है तो ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, ये इससे हम लोग अर्थ के डायरेक्शन वगैरह पता करने लगे कि इधर की तरफ हमारा साउथ है इधर नॉर्थ है, आप लोगों को समझ में आ जाए बस ऐसे, है ना, अपना अपना, है ना, हम लोग करते ही हैं ना ऐसे नॉर्थ साउथ पता तो करते ही हैं। तो जब चीज़ें होने लगी बढ़ने लगी तभी एक समय ऐसा आया, कुछ लोगों ने कैट फर में बिल्ली के खाल है ना उसको इमोनाइट के रोड से रगड़ दिया, है ना, रब किया, तो इमोनाइट का रॉड क्या किया कि बिल्ली के खाल को, है ना, खींचने लगा, अट्रैक्ट करने लगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमने देखा कि प्लास्टिक का रॉड को अगर हमने सिल्क क्लॉथ से हमने रब किया, है ना, तो दो दो चीजें है, एक तो हमने क्या किया इमोनाइट के रॉड को हमने कैट फर से रब किया, है ना, इमोनाइट के रॉड को हमने कैट फर से रब किया, उसी तरह से हमने सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से हमने रब किया,
रब मतलब ऐसे पकड़ा, सपोज करो जस्ट ये रहा हमारा, नहीं है सिल्क क्लॉथ, और ये रहा हमारा ग्लास, हमने ऐसे ऐसे रब कर लिया, तो रब करके इसको ऐसे जब रखा तो देखा कि भाई इसके ऊपर कुछ ही इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन दिखा, क्या दिखा यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या दिखा हमको, अट्रैक्शन दिखा, सिंपल है बात। और यहां पर हमको दिखा ये भी हमारा अट्रैक्शन ही दिखा, ये सबसे पहली चीजें हमें पता चली। जब इबोनाइट का रॉड को दूसरे इबोनाइट के रॉड से, फिर समझना यहां पर बात है, एक इबोनाइट का रॉड है और एक और इबोनाइट के रॉड को हमने जब पास पास रखा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर लिया, यहां पर रिपल्जन शो होता है। और उसी तरह से हमने जब ग्लास रॉड को इन एक और ग्लास रॉड है ठीक है, हमने इसके साथ में रखा थी, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल कर लिया, रिपल्जन शो करता है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अट्रैक्शन शो हो रहा है, यहां पर भी अट्रैक्शन शो हो रहा है, और यहां पर रिपल्जन शो हो रहा है ग्लास ग्लास के बीच में, इबोनाइट इबोनाइट के बीच में। तो यहां तक समझ में आता था क्योंकि मैग्नेट के बारे में पता था कि मैग्नेट जो है उसमें दो जो सेम पोल है उसके बीच में रिपल्जन होता है, तो चलो ठीक है ये ग्लास ग्लास को रिपेल करेगा तो सेम पोल। तो लेकिन दिक्कत ये था कि ग्लास एक मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं था, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है ग्लास, ग्लास में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ नहीं सकता था। कि क्या है जो ग्लास को रिपल्जन शो करवा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर नोट किया गया। सेकेंड नंबर इबोनाइट का रॉड में भी यही प्रॉब्लम था, ये तो ये भी इबोनाइट का रॉड भी एक दूसरे से मतलब ये भी जो है बेसिकली मैग्नेटिज्म शो नहीं करता ठीक है। जब ये शो नहीं करता है मैग्नेटिज्म तो ये क्यों मतलब ऐसे चीजें काम कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये रिपल्जन तो शो नहीं करना चाहिए था इसको अगर ये मैग्नेटिज्म नहीं है तो, लेकिन ये कर तो रहा है, लोग समझ तो रहे थे क्या चीजें हो रही है। तभी एक दिन ऐसा हुआ क्योंकि इबोनाइट के रॉड को ग्लास रॉड के साथ में लेके चलाया गया, इबोनाइट वाले को ग्लास वाले के साथ में लेके चलाया, ये दोनों अट्रैक्ट कर गया, ये अट्रैक्शन शो करता है, हिस्ट्री बता रहे हैं। देखो क्या 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 कॉम्बिनेशन बना है, इबोनाइट के रॉड को कैट फर से हमने रब किया तो हमको दिखा अट्रैक्शन, फिर हमने सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से जो हमने रब करवाया तो हमें दिखा अट्रैक्शन फिर से, ये किसी एक बंदे ने किया होगा, ये दूसरे बंदे ने किया होगा ठीक है। बट यहां पर जो हमने इसी इबोनाइट के रॉड को दूसरे इबोनाइट रॉड से हमने जब उसको कॉन्टेक्ट में लाया, नजदीक लाया, तो ये दोनों दूसरे को रिपेयर कर गया। सिमिलरली ग्लास रॉड को भी जब हमने नजदीक लेकर के आया ये भी रिपल्जन शो करता है, और जब हमने इन दोनों को जब ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड को जब हमने साथ में रखा तो ये दोनों जो है अट्रैक्शन शो करता है। समझ में आ रही बात कि नहीं यार? तो सबसे पहले जो चीजें आई थी, सबसे पहले यही चीज ढूंढा गया, सबसे पहले ये बना हुआ था ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया गया था, तो जिन्होंने पहले ढूंढा उन्होंने कहा दे भाई ग्लास रॉड के ऊपर हम मान लेते हैं कि इस पे एक नया चीज, हमने नया चीज ढूंढा, वो चार्ज है। क्या ढूंढा इसने, बोला कि हम भाई चार्ज ढूंढे, उसका नाम है पॉजिटिव चार्ज। तो उसने कह दिया आर्बिट्रली बोल दिया आज तक हम लोग ये मानते रहते हैं, उन्होंने कहा दिया ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर क्या हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, इस पे यहां पर आ गया निगेटिव चार्ज, ये आता है हमारा यहाँ पर निगेटिव चार्ज ठीक है। ये उन्होंने कह दिया कि नया चीज हम ढूंढ रहे हैं भाई, उसका नाम है चार्ज, जैसे मैग्नेटिज्म ढूंढा गया तो मैग्नेट ढूंढा गया, उसी तरह से इन्होंने कहा कि हम चार्ज ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने ग्लास रॉड पे कह दिया कि भाई हम पॉजिटिव चार्ज है तो सिल्क क्लॉथ पे जरूर अपोजिट होगा, तभी तो वो अट्रैक्शन शो कर रहा है, इसलिए सिल्क क्लॉथ पे जरूर है कि निगेटिव चार्ज आया होगा ठीक है। बाद में ये इबोनाइट वाला कहानी आया था तो इसलिए इबोनाइट के ऊपर चढ़ा गया निगेटिव चार्ज और इस पे चढ़ाया गया पॉजिटिव चार्ज, नाम दिया गया बाद में। इसीलिए अगर हम कह सकते कि वो नाइट पे अगर निगेटिव है तो यहां पर निगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, निगेटिव वाले ने निगेटिव वाले को रिपल्जन करना ही था इसलिए रिपल्जन शो किया, क्योंकि सिमिलर चार्जेस जो है रिपल्जन शो किया यहाँ पर, एक नया लॉ को ऐसी फ्रेम होने लगा कि भाई सिमिलर चार्ज सिमिलर पोल वाला रिपेल करता था इसलिए सिमिलर चार्ज भी रिपेल कर रहा है ठीक है। मतलब एक चीजें हैं उनके हिसाब से हमने दूसरी चीजों को समझना स्टार्ट किया, क्योंकि मैग्नेटिज्म तो ऑलरेडी चल रहा था दुनिया में, समझ में आ रही थी लोगों को,
सेकेंड नंबर में उसी तरह से ग्लास पे हमने देखा कि भाई पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पर प्लस चार्ज इस पर चढ़ा दिया है ना। तो ग्लास पे हमने जब प्लस चार्ज चढ़ा दिया तो प्लस वाले को रिपेल करेगा, तो यहां पर भी हमको रिपल्जन दिखा ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने ग्लास और इबोनाइट को किया तो ये दोनों प्लस और माइनस वाले को हमने साथ में रखा है। इबोनाइट पे देखो साफ निगेटिव दिख रहा है और ग्लास पे पॉजिटिव दिख रहा है, तो प्लस और माइनस में अट्रैक्शन शो करता है। ये पूरा मैथमेटिक्स घूम फिर करके यही था कि सबसे पहली बार ये ऑब्जर्व हुआ, बाद में ये ऑब्जर्व हुआ, उसके हिसाब से कुछ लोगों ने कन्वेंशनली इन चीजों को ये नाम दे दिया और आज हम लोग पढ़ते हैं ठीक है। समझ में आ गया पूरा अच्छा से बात ठीक है। तो यहां से सबसे पहला पार्ट तो ये समझ में आया कि एक नया चीज ढूंढा गया, वो था चार्ज। चार्ज के पास क्या कमाल का चीज हमको मिला, अट्रैक्शन। तो भाई अर्थ पे भी अगर हम एक चीज वो गिराते वो भी अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट में भी अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, मैग्नेट भी जो नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करता है। और इवन मैग्नेट के साथ में एक और अच्छा बात यह है कि वो कुछ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट ही करता है। फिर सुनना है मेरी बात को, हम क्या बोले, कुछ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन कोबाल्ट निकल, इन तीनों को वो अट्रैक्ट ही करता है। ये नहीं कि मैग्नेट लोहा को कभी बोलेगा तुम भागो इधर से, वो नहीं करता, निकल को भगा नहीं देता, सिर्फ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट मैग्नेट को रिपेल कर सकता है, वो भी तब जबकि सिमिलर पोल उसके सामने आए। यानी कि मैक्सिमम कंडीशन तो यही है कि अट्रैक्शन वो शो करता है। यानी कि अगर हम बोले कि एक मैग्नेट यही है, इसके सामने हमने एक आयरन को सपोज करते हैं आयरन है ना, तो हमने इसके ये आयरन के साथ में अट्रैक्ट करना, हाँ अट्रैक्ट कर गया। सपोज करते हैं भाई अगला बार अभी हम मान लेना ही निकल है, तो निकल को भी अट्रैक्ट ही करेगा चाहे जैसे भी करें है ना, इधर से भी इधर हर बार अट्रैक्ट करेगा। इस बार हमने फिर कोबाल्ट लेके आया, अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जब हमने माना कि ये हमारा फिर से देखो ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है ठीक है, तो और ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, तो हमने जब ऐसे किया नहीं सटेगा, उल्टा नहीं सटा के सट गया है ना। तो ये चीज हो रहा है यहाँ पर कि मैग्नेट मैग्नेट को रिपल्जन तभी कर रहा था जब उसको सिमिलर नहीं सिमिलर पोल आ रहे थे। यहां तो कमाल ही हो गया, यहां पर दो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्शन रिपल्जन शो कर रहा है। अट्रैक्शन मान भी लेते हैं वो कर रहा होगा ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स के कारण अगर हो रहा होगा, भाई रिपल्जन क्यों कर रहे हो? अगर फिर सुनना है मेरी बात को, यहाँ पर इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज, या फिर हम कंफर्मेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। चार्ज ही है ये बात कैसे कंफर्म होगा? तो भाई अट्रैक्शन तो किसी भी चीज में हो रहा था, ग्रेविटेशन भी अट्रैक्ट ही करता है, सिर्फ ग्रेविटेशन तो अट्रैक्टिव फोर्स ही सिर्फ है, वहां पर तो रिपल्जन नाम का चीज है नहीं, तो ये रिपल्जन क्यों कर रहा है? जरूरी तीसरा चीज है ना, तो ये ग्रेविटेशन है ना मैग्नेटिज्म है, ये तीसरा है जिसके कारण से यहाँ मामला कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पर रिपल्जन शो हुआ है। चार्ज यही था। तो चार्ज के बारे में और कुछ अगर स्टडी करें चार्ज के मामले में, तो जैसे कि अगर हम देखें कि बेसिक प्रॉपर्टी, हम लोग अगर बोलें कि दुनिया में दो ही तरह की चीजें हैं बेसिकली, अगर हम अपने यूनिवर्स में मामला में बात करें तो एक चीज है उसका नाम है मैटर, और एक और चीज होता है एंटी मैटर जो कि अब हमारे यूनिवर्स में नहीं है ठीक है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैटर के ऊपर। मैटर में क्या क्या होता है? मैटर जो होता है उसमें होता है प्लस माइनस है ना, ये प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या हमारा जी मैटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं है ना, और यहाँ पर प्रोटोन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, ये एक सिस्टम, ये जो कन्फिग्रेशन है ये हमारा मैटर है ठीक है। तो मैटर में जो सबसे बेसिक सा अगर हम बोलें कि प्रॉपर्टी होता है किसी मैटर की, उसकी होती है सबसे इंपॉर्टेंट सा चीज यही है, किसी मैटर का प्रॉपर्टी है मास। 11th है पूरा एकदम जम करके मास को पढ़े हैं है ना, मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का है ना। लेकिन मास के साथ में दिक्कत ये है कि वो रिलेटिविस्टिक होता है, मतलब मास को अगर हम किसी वेलोसिटी से फेंकेंगे उसके पास मोमेंटम होता है ना, मास के पास मोमेंटम होता है m into v, और अगर उसको हम इतनी स्पीड से फेंक दें कि वो लाइट के स्पीड को अप्रोच करने का, तो उसका मास बढ़ने लगता है ठीक है। वो लाइट के स्पीड से बढ़ने से उसका मास भी बढ़ने लगेगा, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं रूट ओवर 1 माइनस में वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसको रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं। और ये जो m नॉट है ये हमारा रिलेटिव मास है, अभी हम सब लिखा देंगे एक करके पॉइंट में, टेंशन नहीं लेना है, बस छोटा बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाएंगे पूरा अच्छा से, बस खाली बात समझो कि हो क्या रहा है।
मास हम लोग जानते हैं ये होता है मोमेंटम, हम लोग पी इक्वल टू एम इंटू वी बोलते हैं ना, मास इंटू वी वेलोसिटी। तो किसी मास के पास मोमेंटम होता है, किसी भी मास के पास ये, मास के साथ में एक और दिक्कत ये है कि वो रिलेटिव स्टिक होता है, लेकिन है प्रॉपर्टी है किसी मैटर का। प्रॉपर्टी मतलब उसके अंदर में ये कैपेबिलिटी है कि हम उस पर फोर्स लगा सकते हैं, उस पर हम उसके सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कर सकते हैं, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, और साथ में उसके पास अगर वो स्पीड से बढ़ेगा तो उसके मास भी बढ़, मास मतलब बेसिकली ऑब्स्टेकल, मतलब वो विरोध करेगा कि हम नहीं जाएंगे इतने स्पीड से, तुम जितना वेलोसिटी बढ़ाने लगोगे हम उतना ज्यादा मास बढ़ा लेंगे, यानी कि हम अपोज करने लगेंगे तुम्हारे मोशन को। ये हुआ मास के साथ में प्रॉब्लम। लेकिन चार्ज भी उसी तरह से, मास है उसी तरह से चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। सुनना ही पड़ा, फिर सुनो, मास के तरह ही किसी भी मैटर का अपना एक प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्ज किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है, अपना है, खरीदा हुआ, ठीक है, जिसके कारण कोई भी मैटर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दिखाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जेनरेट करता है, जो कि हम लोग पूरा थोरली 12th का सिलेबस है हमारा, ठीक है। फिर सुनना है ना पूरा अच्छा से बात। चार्ज क्या होता है, किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच जेनरेट्स द इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक, या विच शोज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फेनोमेना। सिंपल है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, लिख लो कॉपी में अच्छे से, लिखा भी देते हैं अभी, ठीक है ना। चार्ज क्या है, किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण से कि वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना को शो करता है। साथ में वो अगर उसकी, उसके पास भी बताएंगे और भी चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी वो जेनरेट करेगा, ठीक है। ये हुआ हमारा चार्ज, समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो है भाई, रिवर्स करो, शुरू से देखो, है ना, ठीक है। इसको कॉपी कर सकते हो छोटा सा रफ नोट में, क्योंकि अब हम प्रॉपरली लिखा रहे हैं ना चीजों को, नहीं तो फिर थोड़ा और चीजों को के ऊपर बात करेंगे अभी, ठीक है। पर इसको कॉपी कर लो जो भी है। तो अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि चार्ज क्या है ना। तो एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कम से कम, है ना, थोड़ा फिर बात करते हैं। तो चार्ज पहले लिख लो कि चार्ज क्या है ना, चार्ज, चार नहीं लिख लेना, चार्ज। तो चार्ज क्या, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, ठीक है, विच शोज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फेनोमेनास, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेनास ये शो करता है, ठीक है ना। चार्ज इसके यूनिट क्या क्या होते हैं, सबसे पहला तो पार्ट यही है, ठीक है। ये जो है इसका यूनिट क्या होता है, सबसे पहला चीज इसका ऐसा यूनिट एक है कूलम, क्या है, कूलम, कूलम इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है, कूलम। दूसरा होता है स्टेट कूलम, ठीक है। तो एक जो कूलम होता है इसमें 3×10⁹ स्टेट कूलम होता है, ठीक है। एक स्टेट कूलम ये हमारा समझ लो सीजीएस यूनिट है, है ना, ये हो गया हमारा ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट, है ना, समझ में आता होगा ऐसे यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो 11th विंडो स्टार्ट किए थे। और सेकंड है हमारा स्टेट यूनिट, है ना। तो एक कूलम में कितना होता है, लगभग देख लो कितना, 3×10⁹ स्टेट कूलम इतना होता है ना। एक होता है एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट
कूलम्ब है ना, तीसरा हो गया एब्सोल्यूट्स कूलम्ब है ना, तो ये क्या होता है 10 कूलम्ब के बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जान लो, कॉपी में लिख लो, मोटा मोटा नोट बना करके, ये सब का कोई मतलब है नहीं, हम लोग सिर्फ ऐसे यूनिट पे बात करेंगे जिसका नाम है कूलम्ब, ठीक है। चौथा हो गया हमारा फैराडे, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, एक फैराडे क्या होता है, तो टोटल चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे नहीं, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो गया। अच्छा, एक मोल में कितना होता है, एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो एक फैराडे में अगर हम लिख दें इसको, कि एक फैराडे में अगर हम लिखना चाहें, फैराडे सॉरी, एक फैराडे में कितना चार्ज होगा, तो भाई एक मोल कितना होता है, एक मोल तो पता है ना, इतना पार्टिकल होता है 6.022 × 10⁻²³, इतने अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पर होंगे तो हम उसको कहेंगे कि वो एक मोल है, और इस पे कितना चार्ज होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना पता होगा ना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,500 कूलम्ब आएगा, ठीक है। तो ये होता है एक फैराडे का वैल्यू। तो बेसिकली ये कुछ चार्ज का इंट्रोडक्शन है, कि चार्ज का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज किसी मैटर का, जो कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमेना शो करता है। और चार्ज जो है, देखो इसका यूनिट क्या क्या हो गया, कूलम्ब हो गया, स्टैट कूलम्ब हो गया, सीजीएस वाला, एब्सोल्यूट कूलम्ब भी है, 10 कूलम्ब के बराबर होता है, एक फैराडे भी है जो कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के पे जितना भी चार्ज होता है उसी को बोलते हैं एक फैराडे। एक और बात यह है कि अगर हम यहां से चीजों को थोड़ा, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन तो हम जानते हैं कि जो Q होता है वो IT के बराबर होता है, IT समझ आता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, करंट इक्वल टू चार्ज कूलम्ब पर यूनिट टाइम, नहीं पढ़ते थे 10th में, तो Q बराबर हो गया करंट इनटू टाइम, तो इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर इनटू टाइम, ठीक है, ये इसका हो गया डायमेंशन, ठीक है, यहां तक समझ में आया बात, ठीक है। ये था बेसिकली मोटा मोटी टाइप का, है ना, मोटा मोटी गुड फेमिनिज्म मेनिज्म जो भी है दोनों सब साथ में, ठीक है। तो चार्ज बेसिकली हम लोग समझ में आ चुका है कि चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बार-बार बोल रहे क्या, वीडियो घुमा देना, ठीक है। हम बोलना क्या चाह रहे हैं यहां से, इसके बाद उसको पहले इसको नोट कर लो, फिर हम इरेज करके कुछ चीजों को हम समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो चार्ज जो है, हम लोग सीख चुके हैं कि चार्ज हमारा क्या क्या है चार्ज के बारे में, है ना। तो कुछ दो 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 तीन पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले चार्ज के बारे में। पहला तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, या फिर ऐसे लिख लेते हैं इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ज का प्रॉपर्टी जानना, बहुत सारे एग्जाम में आजकल आ रहे प्रॉपर्टीज, है ना। सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है कि चार्ज जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्जेस एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक मतलब खुद का, जैसे मास है वो होल्ड करके रखता है, ठीक है, उस जैसे ना हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग हैं तो हमारे अंदर में खून है तभी तो जिंदा है ना, उसी तरह से किसी मैटर का खुद का प्रॉपर्टी है चार्ज, ठीक है, लाइक अ मास, है ना, लाइक मास, मास की तरह। सेकेंड नंबर में चार्ज जो होता है is not relativistic, in nature, है ना? Charge is not relativistic in nature, sorry, nature, nature, हाँ ठीक, nature है, ठीक है, and
A T U R E, नेचुरे, सॉरी नेचर, ठीक है। तो चार्ज जो है रिलेटिविस्टिक नहीं होता है लाइक मास, ठीक है। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। दैट इज मास, मास ऑफ अ बॉडी, ऑफ ए बॉडी एट एनी स्पीड इज गिवन बाय एम इक्वल टू एम नॉट रूट ओवर 1 - b² / c² वेयर एम नॉट जो है ये हमारा रेस्ट मास है। क्या ये रेस्ट मास है? मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में रखा हुआ है तब उस समय उसका मास कितना एम नॉट है, ठीक है। लेकिन किसी भी वेलोसिटी से अगर वो चल रहा है तो उस समय उसका जो मास है वो हो जाएगा एम, है ना। ये इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास, वेलोसिटी बढ़ने से मास बढ़ गया, ठीक है। बट चार्ज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ऑलवेज कॉन्स्टेंट एट एनी स्पीड, एट एनी स्पीड एंड सॉरी चार्ज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एट एनी स्पीड। इसका मतलब यही हो गया कि चार्ज जो है ये इस तरह से हम नहीं लिख सकते क्यू नॉट बाय रूट ओवर 1 - b² / c² है ना। और इसी प्रॉपर्टी को और एक और चीज हम इसी में लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया दैट इज चार्ज डज नॉट, है ना, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। यानी कि किसी फ्रेम से देख रहे हैं तो उसके लिए अलग चार्ज हो जाएगा, किसी और फ्रेम के लिए अलग चार्ज होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो चार्ज हर समय कांस्टेंट रहेगा किसी भी स्पीड के लिए, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। और इस प्रॉपर्टी को, इस खास करके इस ये जो पूरा का पूरा गाना लिखे हैं इसी को बोलते हैं दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज चार्ज इज इनवेरियंट, है ना। दिस प्रॉपर्टी नोन एज इनवेरियंट नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज का एक इनवेरियंट नेचर कहलाता है ना, इनवेरियंट नेचर ऑफ चार्ज। सिंपल है, ये बात समझ में आ गया बात यहां तक, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी में लिखेंगे यहां से चार्ज जो होगा इज ऑलवेज कंजर्व्ड होता है, चार्ज हर समय कंजर्व्ड होता है। इसका मतलब यही हो गया कि किसी भी सिस्टम का जो इनिशियल चार्ज होगा क्यू इनिशियल ऑफ द सिस्टम किसी भी समय पे और उसी का जो फाइनल होगा वो बराबर रहेगा, क्योंकि स्पीड पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो जो है सो है, हर समय यही रहेगा इसका चार्ज का वैल्यू। तो चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड होता है और ये सब होता है ना, कॉपी कर लो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर अगला। तीन के बाद चौथा है, ठीक है, कि लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल, है ना, रिपेल ईच अदर, ठीक है। वाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो पांचवा प्रॉपर्टी में लिखेंगे, इसको समझाने को मतलब तो है नहीं, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा यहां पर, हाँ, चार्ज जो है द स्मॉलेस्ट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू
1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ठीक है, कोई दिक्कत है? स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड किसी भी बॉडी में इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है, किसी बॉडी में इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है, और विच इज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है ना, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रिमूवल और एडिशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी, है ना, फ्रॉम एनी बॉडी कर सकते, फ्रॉम एनी बॉडी, है ना, किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए या उसमें डाल दिए तो उसमें कितना चार्ज आ जाएगा, इतना कूलम्ब आ जाएगा, सिंपल है यहां तक बात, ठीक है। तो इसका हम इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो बेसिकली हम जो लिखेंगे वो ई हो जाएगा, जबकि हमने लिमिट लगा के रखा है क्यू अप्रोचेस टू जीरो, है ना, ऑफ क्यू, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमारा, अगर क्यू सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा क्या होगा, ई होगा, ई मतलब हो गया वन, ई मतलब वही 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ठीक है। एक और बात, पांचवा के बाद छठा, चार्ज जो होता है किसी भी पार्टिकल में क्वांटाइज्ड होता है, वर्ड को ही हम समझ पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्या कहना चाहता है यहां पर, इसको पूरा डिटेल में समझेंगे अभी, ठीक है ना। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ठीक है। चार्ज नेवर इन द फॉर्म ऑफ ई बाय टू, ई बाय थ्री, थ्री ई बाय फाइव, है ना, एटसेट्रा, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब चार्ज हर समय E के ही इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, इसका मतलब यही हो गया कि जो चार्ज होगा किसी बॉडी में वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल n हो गया, यानी कि इंटीजर है और मल्टीपल ऑफ E होगा, ठीक है, ये होगा किसी बॉडी में चार्ज। मतलब या तो अब ये लॉजिक भी समझ सकते हो, बहुत बड़ा मैजिक नहीं है, इसको सिर्फ समझना है कि एक बार फील करो कि किसी बॉडी में चार्ज हम कैसे ला सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बताएं कि किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया या उसमें डाल दिया तो हम कह सकते हैं उसमें चार्ज आ जाएगा, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पर ही सबसे मिनिमम चार्ज होता है। तो अगर हम बोले कि किसी बॉडी से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तब, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो उस पर एक ई, मतलब कि इतना कूलम्ब चार्ज चढ़ जाएगा, है ना, एक ई या फिर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब चार्ज चढ़ जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उस पर 2 times ऑफ इतना चार्ज चढ़ जाएगा, दो गुना चार्ज चढ़ जाएगा, यानी 2e चार्ज चढ़ेगा। अगर हम बोले कि तीन इलेक्ट्रॉन निकाल, भाई तीन गुना चार्ज चढ़ेगा, तो ये कह रहा है कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 10 गुना चार्ज चढ़ गया, सिंपल है ना बात, समझ में आ गया बात, ये चीज कह रहा है। लेकिन ये चीज ये होंगी हमारी, ठीक है, एटॉमिक लेवल पर बात, है ना, या फिर क्या हो गया बात, या फिर ये हो गया एटॉमिक लेवल पर। लेकिन अगर हम बोले कि हमारे नेचर में हम लोग इस लेवल पर बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं मोल के लेवल पे, मोल मतलब होता है 10⁻³ के, मतलब बिलियन ऑफ बिलियन ऑफ बिलियंस के रूप में, तो वहां पर पॉइंट पॉइंट चलता है ना, वो 10.2 कूलम्ब चलेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा, है ना, 10.2 कूलम्ब मतलब समझ लो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी और समझ में आएगा, ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है, अभी देखते हैं इसको। छह के बाद सातवां प्रॉपर्टी पहले लिख लेते, फिर क्वांटाइजेशन में बहुत सारा न्यूमेरिकल बताएंगे तो और समझ में आने लगेगा वो बात, ठीक है ना। पहले सातवां कुछ कुछ प्रॉपर्टी और लिख लिख करके खत्म कर लेते चार्ज के पूरे कचरे को, ठीक है। तो चार्ज जो होता है इज
डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो करंट इनटू टाइम के रूप में है ना, इसको लिख सकते हैं। बट मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। बट मास इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। अगला सात के बाद आठ नंबर है, चार्ज इज कॉन्स्टेंट है ना एट एनी स्पीड, ये तो हम समझ चुके हैं एट एनी स्पीड, बट मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास जो है कन्वर्ट होने लगता है एनर्जी में, है ना, जो बोले कि मास बढ़ने लगेगा है ना विद इंक्रीजिंग स्पीड, है ना, विद इंक्रीजिंग स्पीड, है ना, इंक्रीजिंग स्पीड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। इस फॉर्मूला के हिसाब से मास एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है, चार्ज नहीं होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना बात तो समझ में आ चुका है। नाइन नंबर की बात समझते हैं, Q बाय M का जो रेशियो होगा ये वैल्यू हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होगा किसके लिए, फॉर रिलेटिविस्टिक सॉरी एट वेरी हाई स्पीड। क्यों नहीं होगा भाई, चार्ज तो बदल नहीं सकता हाई स्पीड, लेकिन मास तो बदल जाता है, मास तो बढ़ने लगेगा, तो क्यू बाय एम का जो है वैल्यू वो हमारा चेंज करने लगेगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। टेन नंबर में क्यू बाय एम का जो वैल्यू है ये हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, कब रहेगा, है ना, नॉन रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी ना, रिलेटिविस्टिक स्पीड कह सकते हैं, या फिर लो स्पीड, है ना, वेरी लो स्पीड, मतलब जो भी है बहुत बहुत छोटा है स्पीड ऑफ लाइट से, है ना, और यहां पर ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो अप्रोच कर रहा है सी को, तो इस कंडीशन में क्यू बाय एम का रेशियो जो है वो हमारा कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, इसमें कंडीशन में कॉन्स्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत है। चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है, चार्ज इज एडिटिव इन नेटुरे, है ना, तो मतलब कि हम चार्ज को जोड़ सकते हैं सीधा सीधी, अगर हम चार्ज को बोलेंगे क्यू नेट जो है, मान लेते एक सिस्टम है इसमें चार्ज कितना है हमारे पास, तो भाई यहाँ पर बोल रहा है कि प्लस में 1 कूलम्ब है, कोई यहाँ पर कह रहा है प्लस में 2 कूलम्ब है, कोई यहाँ बोल दिया माइनस में 3 कूलम्ब है, यहाँ बोल दिया माइनस में 5 कूलम्ब है, किसी ने कह दिया प्लस में 7 कूलम्ब है, तो भाई सबको जोड़ दो, एडिटिव नेचर है, सीधा जोड़ देना है, तो यानी इसका मतलब हो गया कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज इट इज एडेड अलजेब्रिकली, तो क्यू यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू नेट बता दो कितना आ जाएगा, तो प्लस 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 7 सीधा से जोड़ दो अलजेब्रा के हिसाब से, कितना हो गया, ये तो खत्म हो गया, आई थिंक प्लस 2 कूलम्ब आ जाएगा इसका वैल्यू, तो चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी, इसको सीधा सीधे हम जोड़ सकते हैं, सीधा जोड़ दिया पकड़ करके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आता, चलो कभी करो और भी देखते हैं। ट्वेल्थ नंबर में देखते हैं यहाँ से, ठीक है, कितना प्रॉपर्टी होगा, बस जानना है, सुन लो, कान में भर लो, अच्छी अच्छी बातें हैं, याद रखो नहीं रखो, याद हो ही जाएगा,
ट्वेल्थ वर्ग का जर्नी है, बहुत कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस देखो अगला प्रॉपर्टी क्या है। पेयर एनिहिलेशन है ना, पेयर एनिहिलेशन किसको बोलते हैं? तो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक मेरे पास कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक पॉजिट्रॉन है। ये क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का पता है ना मास क्या होता है, तो समझ लो जीरो है ना, नहीं होता है, मतलब प्रोटॉन से 1837 गुना कम, ठीक है, तो मतलब नहीं होता है। लेकिन चार्ज इस पे होता है माइनस में 1.6 इनटू माइनस में 19 गुना, है ना। उसी तरह से पॉजिट्रॉन, ठीक है, जस्ट इसका मिरर कॉपी, इसका एकदम जस्ट मास सेम, चार्ज बस प्लस में सेम, दोनों सेम, इसे ई रखे हैं बस साइन अलग अलग, ये दोनों मिल करके गामा बनाता है। गामा बनाता है, क्या बनाता है? गामा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तैयार करता है, ठीक है, ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं फोटोन तैयार करता है, ठीक है। तो ये गामा तैयार कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, तो वीडियो रुक जाता है कभी कभी, कॉपी रिकॉर्ड करते जाते हैं। पेयर एनिहिलेशन, ठीक है, तो पेयर एनिहिलेशन में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है पॉजिट्रॉन है, दोनों जाकर के अगर कंबाइन होता है, ये सब हम लोग सीखेंगे मॉडर्न में, बस अभी खाली देख लो इसका नाम क्या है, क्योंकि बार 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 करने से दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ चीज यही है ना, कुछ मतलब है नहीं, याद तो ऐसे भी रखना ही है, ठीक है, यादें तो रहनी चाहिए। तो ये क्या है, ये गामा क्या है, बस देख लो गामा के बारे में पूरा सब चीज लिख दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के का रेडिएशन है, इसको कि हम लोग अभी यहाँ फोटोन भी कहते हैं, फोटोन तो हर लाइट को कहते हैं, ये फोटोन जनरेट करता है। दूसरा प्रॉपर्टी है इसी में 13 नंबर में, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, तो पेयर प्रोडक्शन में कुछ नहीं होता, बस यही गामा होता है, जो गामा टूट करके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना देता है, ठीक है, एक फोटोन है ये, है ना, गामा फोटोन है, क्या ये गामा फोटोन है, ये जाकर के टूटता है और एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन, है ना, कॉपी कर लो, ठीक है, अभी और भी चीजों को कॉपी करना ही है। तो अगला देखते हैं, आई थिंक 14 नंबर होगा, है ना, तो अगला देख रहे हैं कि वेलोसिटी है ना, रिलेशन ऑफ चार्ज विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या चार्ज के साथ में क्या रिलेशन है? तो पहला प्रॉपर्टी, पहला जो रिलेशन यही है कि अगर बोल दें कि वेलोसिटी जीरो है, यानी कि चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज अगर रेस्ट में, देन इट जेनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3D स्पेस, ठीक है, ये क्या करेगा 3D स्पेस में, 3 डायमेंशनल मतलब इधर भी ऊपर भी नीचे भी और हर जगह 3 डायमेंशनल स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है, और इसी को बोलते हैं, इसका जो स्टडी करते हैं इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, मतलब इसी चार्ज रेस्ट में, चार्ज किसमें, बोलो आवाज नहीं आया, चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है, तो चार्ज लिख दी है, तो चार्ज रेस्ट में है ना, तो चार्ज रेस्ट में है, तब हम बोलेंगे कि अगर हम बोले कि तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट करेगा, ठीक है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले इस जो चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब अभी तो सिर्फ चार्ज का इंट्रोडक्शन ही है हम लोग सीखे अभी तक, ठीक है, वो पूरा का पूरा फेनोमेना इसी बात पर डिपेंड करेगा, चार्ज रेस्ट में रहेगा, लेकिन हम ऐसा थोड़े हर समय रहेगा,
हम अगला कंडीशन बनाएंगे, अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे नहीं रहा, चार्ज अगर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, इट जेनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इन 3D स्पेस। ये 3D स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जेनरेट कर देगा, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना ऑफ चार्ज। क्या बोलते इसको? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म कह सकते हैं, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही कह देंगे इसको। और सी नंबर में हो जाएगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहा, मतलब क्या, एक्सेलरेटेड चार्ज हो गया, एक्सेलरेटेड चार्ज हो गया, तब कहेंगे इट जेनरेट्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, अलोंग विथ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड बोथ। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, हम लोग का पूरा 12th का सिलेबस यही है, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 14 के बाद 15th नंबर में हम लोग सीख रहे हैं यहां से कि जो चार्ज है किसी भी मैटर के ऊपर, जो चार्ज है बेसिकली ये मास पर हो सकता है, सॉरी ऐसे नहीं बोलेंगे इसको, इसको सुनना फिर से, किसी बॉडी के पास मास है तो मास होगा तभी उसके पास चार्ज होगा, बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कितना मास होना चाहिए चार्ज के लिए, थोड़ा सा ही मास है उस पर बहुत सारा चार्ज हो सकता है, बहुत सारा मास है उस पर थोड़ा सा भी चार्ज हो सकता है, मास के मैग्नीट्यूड से चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मास होना जरूरी है जिस पे चार्ज होल्ड करे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, मास इज नेसेसरी फॉर चार्ज, ठीक है, बट है ना, ऐसे लिख लेते हैं, मास इज नेसेसरी फॉर चार्ज, है ना, मास नेसेसरी है चार्ज के लिए, बट चार्ज हो क्या, मतलब मास होने के लिए चार्ज का कोई मतलब है नहीं, मतलब चार्ज है नहीं है तो भी मास होता है, 10 किलो का बॉडी है उस पर हमारे ही मास है जो भी, इस पर हर समय चार्ज हो रहा है, नेट चार्ज 0 है। ठीक है, तो ये उस तरह की चीज़ें हो रही है ना। तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला लिखते हैं, सॉरी अगला कॉपी कर लो यहाँ तक। अभी हम लोग लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होता है किसी भी मैटर के ऊपर, जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है उस पर कितना कितना चार्ज होता है। तो सबसे पहला नंबर में बात कर रहे हैं, सबसे पहला नंबर में ही बात करेंगे कि न्यूट्रॉन एक चीज होता है ना, न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ना, और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बोलो, कुछ होता है क्या चार्ज, क्योंकि वैल्यू 0। मास कितना होता है इसका, मास होता है इसका 1.00866 AMU, ये याद रख लो। ठीक है, मास कितना होता है, इतना AMU, ठीक है, ये याद रख लेना है। सेकेंड नंबर में बात करेंगे प्रोटॉन का, प्रोटॉन इस पे चार्ज होता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और इसका जो मास होता है वो होता है 1.0076 AMU, ठीक है। और उसी तरह से तीसरा नंबर में हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस में 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, साइन होता है नेगेटिव कैरेक्टर का, और इसका जो मास होता है 0.00555 AMU के बराबर, और 1 AMU क्या होता है हम लोग सबको पता है ना, इतना तो आता होगा, 1 AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसको बोलते हैं पूरा नंबर, ये क्या होता है कि मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ C12 अपॉन 12,
कार्बन 12 एक एटम है, उसका वजन का 12वां हिस्सा यानी 12th पार्ट को ही बोलते हैं 1 AMU, और इसका वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻²⁷ केजीज के आसपास है। इतना इंटू इतना जो है हमारा इलेक्ट्रॉन का मास मिलेगा। तो अगर हम बोले कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो कितना हो जाएगा, तो वो होता है 9.11 × 10⁻³⁰ केजी के आसपास में आता है। उसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, होता है 1.6725 × 10⁻²⁷ केजी के आसपास में आएगा। और अलोंग विद मास ऑफ अगर न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे हो जाएगा 1.6750 अप्रोक्स में हम लिख रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं याद है हमको, ठीक है अप्रोक्स में इतना इतना होता है, बुक में से थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो सबसे पहला नंबर में हम लोगों ने आज बहुत सारा चीज स्टडी किया है चार्ज के प्रॉपर्टीज के ऊपर, और ये सब तो दिख ही रहा होगा, है ना। पहला काम करना है कि चार्ज के प्रॉपर्टीज को पूरा का पूरा कॉपी में अच्छे से फ्रेम करके रखना है, लिखना है और पढ़ना है, थोड़ा बुक से ही पढ़ो। और इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे एंड देन फिर कूलम लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है, ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। और टेलीग्राम का ऐप में चले जाना है, वहां पर जा करके जो भी क्वेरी आता है उसको पूछो वहीं पर, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, कुछ किसी भी तरह का आएगा डाउट वगैरह तो टेलीग्राम ऐप पे जा करके पूछ सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, बाकी सब तो जानते हो, घंटे वंटे सब बजा दो, क्योंकि वैसे कम से कम 12-13 लेक्चर आने वाले लगातार आने वाले हैं, ठीक है, उसको थोड़ा कंटिन्यू करना है, ठीक है, कॉपी कर लो, बाय।